आपने इन धुनों को सुना, हर कोई जो है राम धुन में डूबा हुआ है और होना भी चाहिए। मोनिका, आप और मैं भी अगर अभी हम इस तरीके से अभी लाइव बुलेटिन नहीं कर रहे तो शायद हम भी कहीं किसी कोई भजन मंडली गा रहे तो हम भी उसमें रम जाते। होना भी चाहिए, स्वाभाविक है, इस वक्त मौका इतना बड़ा है। लेकिन अब मोनिका अपने दर्शकों को तीन तस्वीरें दिखाते हैं। मैं कह रही हूँ ना कि यहाँ से खुशियाँ नहीं है, जो जो भेंट दे सकता है वो देने के लिए तैयार हो चुका है। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे एक साड़ी तैयार की गई है जिसमें अयोध्या जो रामचरितमानस है, जितने भी कांड हैं सभी को दर्शाया गया है। बाल कांड हो, अयोध्या कांड हो, सुंदर कांड हो, अरण्य कांड हो, किष्किंधा कांड हो, सब कुछ लगाया गया। इधर सूरत के एक व्यापारी है, क्योंकि सूरत हीरा नगरी है, वहां से भी देखिए दान दक्षिणा दी जा रही है। तो ये मायने नहीं रखता कि आपने क्या दिया, बहुत बड़ा दे रहे हैं, बहुत छोटा दे रहे हैं, जिससे जो बन पा रहा है वो राम के लिए करने के लिए तैयार हो चुका है और करना भी चाहिए। 500 साल बाद जब मौका आया है तो जरूरत है कि आप थोड़ा भी दीजिए, हम उसके लिए भी तैयार हैं। और राम तो यही कहते हैं, निर्मल जन मन सो मोहे भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन है तो वो मुझे प्रिय है, मुझे छल कपट पसंद नहीं है। छोटा दीजिए बड़ा दीजिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने भक्त के भाव देखता हूँ। और सलाम है, प्रणाम है इन भक्तों के भाव को, भक्त से ही भगवान की शोभा है, भगवान हर बार ये कहते रहे हैं। और ऐसा ही बिल्कुल सपना, भक्तों का भाव जो है यहाँ पर नजर आ रहा है। कोई पैदल आ रहा है, कोई मिठाई लेकर आ रहा है, कोई का संकल्प लेकर आ रहा है। ऐसी तस्वीरें जो है आज हमने अयोध्या में इतने दिनों से देखी है, शायद इस भाव को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ इंजीनियर्स जिन्होंने ये भव्य दिव्य मंदिर तैयार किया है, उनसे भी बातचीत की गई है। लेकिन उन इंजीनियर्स की तरफ से क्या कुछ कहा गया, वो कितने उत्साहित है, क्योंकि उनके कामों का प्रमाण है ये, जो सदियों सदियों तक इस तरीके से नजर आएगा। राम धुन गाते हुए अपनी खुशी का इजहार करते हुए इंजीनियर्स नजर आए। 22 तारीख को उद्घाटन होने जा रहा है जब प्रधानमंत्री होंगे, इस दौरान ये अपनी खुशी भी जाहिर करना चाह रहे हैं। सर, किस तरीके से खुशी जाहिर करना चाहेंगे? एक राम जी के लिए एक गाना गाना चाहते हैं। बताइए। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे, मेरे जन्मों के पाप सारे धुल जाएंगे। राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, अंगना सजाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, राम झूलेंगे तो पल ना झूलाएंगे, मीठे मीठे मैं भजन सुनाएंगे, मेरी जिंदगी के सारे दुख कट जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, जला के दिवाली हम मनाएंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। खुशी का पल है, बहुत ही खुशी का पल है। और ये तो जन्मों के हमारे कुछ ऐसे पुण्य होंगे जिसके वजह से हम यहाँ आए और भगवान राम के मंदिर के निर्माण में एक सहयोग बन के छोटा सा एक उसमें हमने अपना सहयोग दिया है। यहाँ पे राम मंदिर का निर्माण लगभग कंप्लीट होने वाला है। बहुत सारे लोग तो देश दुनिया से आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। आप लोग तो 24 घंटा अंदर ही थे। जी जी, देखिए वो मन नहीं भरता है। हाँ। सबका स्वागत है फिर भी मन नहीं भरता है। ऐसी जगह है जहाँ इतनी सकारात्मक ऊर्जा है, इतनी सकारात्मक ऊर्जा है कि हम लोग सुबह 8 बजे आए, रात को 2 बजे जाए, लेकिन मन नहीं भरता है काम करने से, इतनी सकारात्मक ऊर्जा है। राष्ट्र मंदिर है, देश को समर्पित है हमारी कंपनी L&T की तरफ से। और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के दौरे पर हैं। तमिलनाडु में पीएम मोदी कई अहम मंदिरों में जाकर पूजा कर रहे हैं। आज पीएम मोदी धनुषकोडी के कोठंडा राम स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। साथ ही पीएम मोदी अरिचल मुनाई पॉइंट भी जाएंगे जहां से राम सेतु का निर्माण किया गया था। पीएम मोदी सुबह 9:30 बजे अरिचल मुनाई पॉइंट का दौरा करेंगे। इसके बाद सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी कोठंडा राम स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचेंगे। और
और अब हम आपको कोठंडाराम स्वामी मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। ये मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? दरअसल ये मंदिर श्री कोठंडाराम स्वामी को समर्पित है। कोठंडाराम नाम का अर्थ धनुषधारी राम है। कहा यह जाता है कि यहीं पर विभीषण पहली बार श्री राम से मिले थे। मान्यता तो ये भी है कि श्री राम ने यहीं विभीषण का राज्याभिषेक भी किया था और इसीलिए ये मंदिर काफी अहम हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 9:30 बजे अरिचल मुनाई का दौरा करने पहुंचेंगे। अब अरिचल मुनाई के बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। दरअसल अरिचल मुनाई भारत का अंतिम छोर है। धनुषकोडी के पास अरिचल मुनाई है और कहा जाता है कि यहीं पर राम सेतु का निर्माण हुआ था, जहां प्रधानमंत्री आज पहुंच रहे हैं। इस समुद्र तट पर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का संगम भी होता है और इस लिहाज से भी ये जगह काफी अहम हो जाती है। अब आपको ये भी बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीरंगम में रामायण से जुड़े प्राचीन मंदिर श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की और विद्वानों से कंभ रामायण का पाठ सुना है। रामेश्वरम में पीएम मोदी ने आस्था की डुबकी लगाई। पीएम मोदी ने मंदिर परिसर के अंदर 22 तीर्थों में डुबकी लगाई है। श्रद्धालु तीर्थों में डुबकी लगाने को शुभ और धार्मिक मानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के इस प्राचीन मंदिर में आने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री 11 दिन का कठोर अनुष्ठान कर रहे हैं और इसी के तहत अलग अलग मंदिरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं और खास तौर पर वो जगह, वो मंदिर जो रामायण से जुड़े हुए हैं और इसी के लिहाज से अलग अलग चार तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का 22 जनवरी तक का ये विशेष अनुष्ठान है। आस्था की डुबकी प्रधानमंत्री ने यहाँ पर लगाई, जिसे धार्मिक लिहाज से भी बहुत खास माना जाता है। रामायण का पाठ खुद प्रधानमंत्री ने यहाँ पर सुना और उसके बाद चौथी तस्वीर में आप देखिए हाथी से आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 22 जनवरी यानी कि कल राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले प्रधानमंत्री मोदी न केवल कठोर यम नियमों का पालन कर रहे हैं बल्कि 11 दिवसीय विशेष अनुष्ठान के तहत वो देश भर के उन प्रमुख मंदिरों में भी जा रहे हैं जहां से प्रभु श्री राम का कनेक्शन है, जहां से उनका जुड़ाव है, जिसका जिक्र रामायण में मिलता है, जिसका जिक्र ग्रंथों में मिलता है। उन तमाम मंदिरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विशेष अनुष्ठान के तहत दर्शन पूजन कर रहे हैं। हम आपको अलग अलग तस्वीरें इससे जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। सबसे पहले नासिक के मंदिर में 12 जनवरी को प्रधानमंत्री ने दर्शन किया। इसके बाद आप लेपाक्षी की तस्वीर देखिए, जहां प्रधानमंत्री 16 जनवरी को पहुंचे थे। 17 जनवरी की दो तस्वीर गुरुवायूर और त्रिशूर में पूजा और साधना करते हुए, तो वहीं 20 जनवरी की तस्वीर जहां प्रधानमंत्री तिरुचिरापल्ली पहुंचे, यहां पर विशेष पूजा उनकी तरफ से की जा रही है। ये विशेष अनुष्ठान है, यहां पर कठोर नियमों का पालन भी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो रही है तो मुझे कुछ चीजें याद आ रही हैं जिसमें दो तीन शब्द बड़े सही बैठते हैं। अर्पण भी है, तर्पण भी है, संघर्ष भी है और संकल्प भी है, और नतीजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन सभी चीजों का कि देखिए राम मंदिर बनने जा रहा है। मनोज तिवारी से न्यूज 18 इंडिया ने बातचीत की तो वो भी यही बात कह रहे हैं कि ये सब जो आप होता देख रहे हैं उसके पीछे आप एक व्यक्ति को श्रेय जरूर देंगे और वो नाम है, वो चेहरा है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जब कार सेवक यहाँ से चले थे तो पर्दे के पीछे थे, लेकिन जैसे ही फैसला आया और उसके बाद पता चला कि कैसे मंदिर बने तो वो पर्दे के सामने आ गए। तो उनकी तारीफ किए बिना या उनका जिक्र किए बिना आप राम मंदिर का जिक्र नहीं कर सकते। सुनिए मनोज तिवारी क्या कह रहा है। मनोज तिवारी भाई राम भक्त है तो आज अयोध्या में आपसे मुलाकात हो रही है। मनोज भाई तो पहले तो चाहेंगे कि भगवान की स्तुति के बिना कुछ शुरुआत होती नहीं है, तो राम जी वो जो अयोध्या वासियों का भारत देश का स्वप्न था वो साकार हो गया है।